एक बार फिर अपराधियों ने बड़े हुए हौसले का परिचय देते हुए एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर उनसे 1,00,000 रुपया एवं 1 लैपटॉप लूट लिया है। जी हां, घटना दरभंगा जिला के मोरो थाना क्षेत्र के रतनपुरा चौक के निकट की बताई जा रही है। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरो थाना क्षेत्र के सरैया रतनपुरा के रहने वाले एहसान राजा अपने घर पर इलाहाबाद बैंक का सीएसपी चलाते हैं। वहां से उनका बैंक की शाखा में नगद लेकर आना जाना रोजाना लगा रहता है। शाम में करीब 1,00,000 रुपया लेकर लौट रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति द्वारा उनका पीछा किया गया और रतनपुरा चौक में सुनसान जगह देखकर उन्हें रोककर उनसे पिस्टल के नोक पर पैसा एवं लैपटॉप लेने का प्रयास किया गया। इधर विरोध करने पर उन लोगों ने गोली चला दी। वही गोली एहसान राजा के बाएं हाथ के आर पार हो गई, इससे उनके हाथ की हड्डी टूट गई है। उधर घटना की सूचना एहसान राजा के द्वारा मोरो थाना के देने के बाद वह अपना इलाज कराने डीएमसीएच पहुंची है। डीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टर की टीम के द्वारा उनका उपचार किया गया। पुलिस जांच में जुट गई है। आपको गोली कहां पे लगी है, कहां मारी गई गोली? आपको गोली लगी है खनुआ गाज बोलते हैं, खनुआ गाज। खनुआ गाज कौन से थाना? खनुआ गाज के पास ही, घर से 2 किलोमीटर पहले। अच्छा, ये कौन से थाना में आता है? मोरो। क्यों मारा आपको गोली? इसमें कुछ पूछा पाछा नहीं, पहुंचा एक छीने लगा, बेगम नहीं दी, गोली चलाया। आप काम क्या करते हैं? बैंक के बीसी हैं। तो आपका पैसा छीनने के चक्कर में? मतलब ये मतलब पैसा नहीं छीन पाया तो गोली मार दिया, ये पैसा भी छीन लिया तो बैग पूरा ले करके लैपटॉप के साथ। अच्छा, पैसा भी छीना तो थपराक मारा और गोली मारा जो आपके किस हाथ में? बाएं हाथ में लगा, जो आर पार हो गई। आर पार। आपका घर कहाँ है? घर रतनपुरा। किस मोड़े में? किस थाने में? थाना के अंदर। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हसन रजा। किस बैंक में काम करते हैं? इलाहाबाद बैंक था, अब इंडियन बैंक हो गया है, इंडियन बैंक के बीच में। अभी आप बता रहे थे कि आपके पिताजी भी सीएसपी संचालक हैं और एक जो कलेक्टर हैं बनौली ब्रांच के, 2 सीएसपी संचालक हैं, एक हसन अंकल, हसन रजा, और एक मेरे पिताजी जी। और ये दोनों इस क्रम में जाते हैं ब्रांच और ब्रांच से लेके आते हैं। अच्छा, सुरक्षा का तो भय हमेशा बना रहता है, खतरा जी, क्योंकि बहुत जगह सुनने में आता है। पता नहीं सरकार भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई सुरक्षा दे रही है, ना कोई सुविधा दे रही है। अब इनके साथ आज घटना हो गया। आपको कैसे खबर मालूम है? जी, हमारे पिताजी फ़ोन किए इनको। ये जब इनके साथ घटना घटी 7 बजे करीब में जी, तो उसके बाद गोली लगी इनको, ये फ़ोन किए थाना को भी, और ये सबको इन्हीं यही फ़ोन किया। अच्छा, अभी बात हुई इनसे तो बताया कि आप होश कर रहे थे, उसी क्रम में जब नहीं दे रहे थे बैग तो गोली मार दिया इनको जबरदस्ती छीनने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? जी, गौरव तिवारी नाम। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम वहीं बगल के पंचायत है, हरपुर लगाओ। हरपुर जी, हरपुर पंचायत।